तो मूवी की शुरुआत होती है मॉन्ट्रियल के एक आइलैंड को दिखाते हुए, जहां एक बायोटेक कंपनी को गोल्फ क्लब फील्ड की देखभाल के लिए हायर किया जाता है। इस कंपनी के कर्मचारी वहां नई तरह की फर्टिलाइजर यानी खाद का इस्तेमाल करते हैं, जो सर्दियों में जमी बर्फ को पिघलाकर घास को ताजा और हरा रखता है, ताकि अमीर लोग साल भर गोल्फ खेलने का मजा ले सकें। अगले दिन डैन नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड को अपने घर में राशन का सामान भरते हुए दिखाया जाता है। दरअसल डैन एक ऐसे रेडियो शो को रोजाना सुनता था, जिसमें ये बताया जाता था कि कोई भी मुसीबत कभी भी अचानक आ सकती है, और वो ही अनदेखी मुसीबतों से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। आज की रात वो माचिस के बिना ही आग जलाने की प्रैक्टिस कर रहा था। इसके लिए वो अपनी शॉटगन के खोल से पाउडर निकालकर इस्तेमाल करता है, जिससे छोटा सा धमाका होता है और उसकी एक आईब्रो जल जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें डैन की बेटी पैट्रिसिया को दिखाया जाता है, जो कि गोल्फ क्लब में हेल्पर का काम करती थी। यहाँ बायोटेक कंपनी का सीईओ मिशेल एक अमीर कपल को गोल्फ खेलकर बताता है कि उनके फर्टिलाइजर की वजह से घास कितनी बढ़िया तरह से काम कर रहा है, जिससे खेल में मजा आ रहा है, जबकि असली कमाल तो जमीन के नीचे हो रहा था, जहां फर्टिलाइजर कई गुना फैलकर जमीन के नीचे मौजूद उस पानी को खराब कर रहा था जो पूरे टाउन को सप्लाई होता था। नेक्स्ट सीन में जैक्स नाम के एक्टर को दिखाया जाता है, जो कि स्टूडियो के नल से एक ग्लास पानी पीने के बाद अपने घर के लिए सामान खरीदने जाता है, जहां स्टोर में रखे हुए फल और सब्जियों को नल के पानी से ही धोया जाता था और उन्हें सूखने से बचाने के लिए भी नल का पानी ही यूज किया जाता था। अचानक जैक्स को चक्कर आने लगते हैं, पर थोड़ी देर के लिए वो उसे इग्नोर कर देता है। घर पहुंचने पर वो देखता है कि उसके दांत ग्रीन कलर में बदलते जा रहे थे और उसके पेट में अजीब सी आवाज आ रही थी। जब वो अपनी वाइफ को ढूंढते हुए बाथरूम में जाता है, तब तक वो पूरी तरह से जॉम्बी बन चुका होता है। वो अपनी वाइफ को काट कर उसका मांस खाने लगता है और उसके ऐसा करते ही वो भी जॉम्बी बन जाती है। इसके बाद जैक्स भी टब में घुस जाता है और दोनों की ग्रीन आंखें धुंधली होने लगती हैं। उधर गोल्फ क्लब में मिशेल और वो कपल मेन बिल्डिंग की तरफ जाते हैं और ये देखकर हैरान होते हैं कि वहां कोई भी नहीं था। अचानक एक आदमी भागता हुआ आता है और चिल्लाते हुए कहता है कि लोग बीमार हो रहे हैं, इसलिए उन्हें भी वहां से भाग जाना चाहिए। तभी वहाँ ढेर सारे एम्प्लॉयज उसका पीछा करते दिखाई देते हैं, वो सबके सब जॉम्बी बन चुके थे। उसी वक्त एक डॉग भी दिखाई देता है, जिसे देखकर वाइफ उसे अपने पास बुलाती है, पर वो गुस्से से उसके ऊपर जंप करता है और उसकी गर्दन में काट लेता है। ये देखकर उसका हस्बैंड और मिशेल डॉग को दूर फेंक देते हैं। तभी उन्हें दूसरे जॉम्बीज वहाँ से भागते हुए दिखाई देते हैं, तब वो औरत भी जॉम्बी में बदलने लगती है, जबकि दोनों आदमी जल्दी से बिल्डिंग के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। लेकिन डॉग भी चुपके से बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और उस औरत के हस्बैंड के पैर में काट लेता है, इसलिए वो लोग उसे अलग कमरे में बंद कर देते हैं। तब तक सारे जॉम्बी दरवाजे पर इकट्ठे हो जाते हैं और जोर जोर से दरवाजा नॉक करने लगते हैं। इतने में हस्बैंड भी जॉम्बी बन जाता है और मिशेल का पीछा करने लगता है, जो हाथ में एक चाकू लिए किचन में छिप जाता है। नेक्स्ट सीन में डैन को दिखाया जाता है, जिसे एक बूढ़ी औरत फोन करके कहती है कि उसके पड़ोसी शोर शराबा कर रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। जब वो वहां पहुंचकर बेल बजाता है तो उसके पड़ोसी बाहर निकलकर आते हैं, जो कि जॉम्बी बन चुके थे। तभी वो बूढ़ी औरत भी जॉम्बी बन जाती है और डैन का पीछा करने लगती है। डैन जल्दी से कार के अंदर छुप जाता है और मदद के लिए पुकारता है, लेकिन कोई वहां नहीं आता। सड़कों पर दौड़ते जॉम्बीज को देखकर डैन को अपनी बेटी पैट्रिसिया की फिक्र होने लगती है और वो उसे कॉल लगाता है, लेकिन पैट्रिसिया भी जॉम्बी से बचकर भाग रही होती है, इसलिए वो कॉल नहीं उठा पाती, जिससे डैन को उसकी फिक्र होने लगती है। इसलिए डैन कंपनी की कार को छोड़कर अपनी कार निकाल लेता है और एक हथियार लेकर अपनी बेटी को ढूंढने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम आंड्रे नाम के लड़के को अपनी छोटी बहन एनी के लिए दूध बनाते हुए देखते हैं, जिसके लिए वो नल के पानी का यूज करने ही वाला होता है। तभी उसकी माँ उसे बोतल वाले पानी का यूज करने के लिए कहती हैं। आंद्रे खुद कभी नल का पानी नहीं पीता था, उसे जब भी प्यास लगती वो सोडा या किसी और तरह की ड्रिंक पी लिया करता था। जल्दी ही उसकी माँ को चक्कर आने लगते हैं, जिस पर आंद्रे कहता है कि ज्यादा एक्सरसाइज करने के कारण उन्हें चक्कर आ रहे होंगे। थोड़ी ही देर में उसकी माँ जॉम्बी बन जाती है और आंद्रे पर अटैक करने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। आंद्रे डर कर बाहर निकल जाता है और भागते भागते लड़खड़ा कर गिर जाता है, पर जैसे ही वो आंद्रे पर अटैक करने वाली होती है, देन उसे अपनी कार से ठोक देता है, जिससे वो घायल हो जाती है। आंद्रे अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर उसे बचाने जाता है, लेकिन डैन उसे रोक देता है और कहता है कि ये वक्त इमोशनल होने का नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने का है। वो उसे अपने घर में छुप जाने का कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ और भी जॉम्बीज आने लगते हैं। ऐसे में आंद्रे अपनी माँ को वहाँ नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो उसे पैर से घसीटते हुए घर के अंदर ले आता है और घर के सारे दरवाजे बंद करने के बाद वो मदद के लिए पुलिस को कॉल लगाता है, जहाँ उसे एक रिकॉर्डेड मैसेज मिलता है कि पूरा आइलैंड क्वारंटीन है। नेक्स्ट सीन में उस ब्रिज को दिखाया जाता है, जो उस आइलैंड को मेन सिटी से जोड़ता था। यहाँ कुछ पुलिस वाले खड़े थे, जिन्होंने ब्रिज के दरवाजे बंद कर दिए थे, ताकि कोई भी बाहर का आदमी अंदर ना आ सके और अंदर का आदमी बाहर ना जा सके। सीन शिफ्ट होता है और आंद्रे की माँ उसकी छोटी बहन एनी पर अटैक करने जाती है, लेकिन आंद्रे उसे घसीटकर बाथरूम में बंद कर देता है, जहाँ उसकी नजर शावर से टपकते हुए पानी पर पड़ती है और वह टब में घुस जाती है। उधर एनी लगातार रोती रहती है, जिसकी आवाज सुनकर बहुत सारे जॉम्बी दरवाजे के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। आंद्रे उसे तकिया कंबल और एक प्लास्टिक से कवर कर देता है, जिससे उसकी आवाज बाहर सुनाई ना दे। थोड़ी देर में
सारे जॉम्बीज वापस चले जाते हैं। कुछ देर बाद आंद्रे की कैट पेट डोर से वापस घर के अंदर लौट आती है और वहीं से एक जॉम्बी घर के अंदर घुस जाता है और वो आंद्रे को पकड़ने ही वाला होता है। तभी आंद्रे घर से निकल जाता है और जॉम्बी भी हिलना बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही आंद्रे गोल्फ स्टिक लेकर वापस आता है, जॉम्बी छुप जाता है। नेक्स्ट सीन में पैट्रिसिया को दिखाया जाता है जो जॉम्बीज से बचने के लिए एक गैराज में छिप जाती है और हेल्प के लिए अपने डैड डैन को कॉल लगाती है। डैन तुरंत वहां पहुंच जाता है और देखता है कि गैराज के बाहर ढेर सारे जॉम्बीज मौजूद हैं। वो अपना चाकू निकाल लेता है और उससे कुछ जॉम्बीज को मार डालता है और कुछ को जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद वो अंदर जाता है। उसी वक्त ब्रिज पर मौजूद पुलिस वाले वहां से हट जाते हैं क्योंकि मिलिट्री वाले जॉम्बी से अफेक्टेड एरिया को बॉम्ब से उड़ाने लगते हैं। इससे पूरे टाउन में पावर कट हो जाता है। अगली सुबह एनी की आया काम पर आने के लिए ब्रिज के पास पहुंचती है तो देखती है कि वो टूट चुका है। इस बीच आंद्रे अपने घर की खिड़की से जॉम्बीज का वीडियो बनाने लगता है और उसी वक्त नेट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया जाता है जहां रक्षा मंत्री लोगों को बताता है कि हम लोगों ने आइलैंड की सुरक्षा की खातिर ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया है और अभी स्थिति नियंत्रण में है। तभी आंद्रे के फोन की बैटरी डाउन हो जाती है। इसके बाद वो अपनी माँ को चेक करने के लिए अंदर जाता है और देखता है कि उसकी माँ ग्रीन कलर के चिपचिपे मटेरियल से ढक गई है। अचानक उसकी माँ एनी पर अटैक करने लगती है। तब आंद्रे उनका ध्यान बटाने के लिए शोर करने लगता है और उनकी फेवरेट सब्जी को उनके सामने हिलाने लगता है जिससे अट्रैक्ट होकर उसकी माँ उसके पीछे भागने लगती है। ऐसा करते करते वो दोनों लिविंग रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ गलती से उसकी माँ टीवी स्टैंड से टकरा जाती है और टीवी उनके ऊपर गिर जाता है जिससे उनकी मौत हो जाती है। दुखी मन से आंद्रे अपनी माँ को वापस बाथरूम के अंदर ले आता है और देखता है कि उनके जख्मों पर घास उगने लगे थे। फिर वो उनके फोन को उठाता है लेकिन वो फोन भी टूट चुका था। इसके बाद आंद्रे एक सीढ़ी लेकर सामने के दरवाजे से बाहर की तरफ देखता है जहाँ ढेर सारे जॉम्बीज खड़े थे जैसे कि वो उसी के बाहर आने का इंतजार कर रहे हों। अब वो भी घर के अंदर रहकर थक चुका था इसलिए वो एनी को बेबी कैरियर में डालकर हाथ में गोल स्टिक लेकर घर का दरवाजा खोल देता है जिससे जॉम्बीज घर के अंदर कैट को देखकर उसे पकड़ने के लिए घर के अंदर घुसते हैं और रास्ता साफ देखकर आंद्रे तुरंत वहां से भाग खड़ा होता है। वो ग्रोसरी स्टोर की तरफ भागता है और जॉम्बी भी उसके पीछे पीछे भागते हैं लेकिन सारे दरवाजे बंद होते हैं और वो जॉम्बीज से घिर जाता है। तभी अचानक एक दरवाजा खुलता है और डैन उसे अंदर खींच लेता है। डैन कल से वहीं पर डेरा जमाए हुआ था इसलिए उसने वहां कैंपिंग के लिए जगह भी बना ली थी लेकिन उसके पास इस सिचुएशन से निपटने का कोई ठोस प्लान नहीं था। सारे बोट्स भी पहले ही वहां से जा चुके थे और पानी में तैर कर जाना मतलब सीधा मौत को दावत देना था। नेक्स्ट सीन में आंद्रे अपनी बहन एनी को देखने जाता है। तभी एनी की नजर एक दरवाजे के अंदर लॉक हुए जॉम्बी पर पड़ती है जो और कोई नहीं बल्कि पैट्रिसिया थी। डैन को उम्मीद थी कि बाद में कोई ना कोई उसे ठीक कर देगा इसलिए उसने उसे बंद करके रखा था। उधर गोल्फ क्लब में मिशेल सभी दरवाजों को सैनिटाइज्ड करता है। इसके बाद अपने कंपनी वालों को कॉल लगाता है जो उसे बताते हैं कि एक्सपर्ट लोग हेल्प करने के लिए आ रहे हैं लेकिन उसे भी कंपनी के नियम मानने होंगे। तभी एक जॉम्बी डॉग उस पर भौंकने लगता है जिसे वो लात मारकर भगा देता है। यहाँ इस बात का खुलासा होता है कि उसने अपने एक दोस्त का मर्डर भी किया था। उधर स्टोर में डैन आग जलाने की कोशिश में नाकाम हो जाता है। तब आंद्रे लाइटर यूज करके आग जला देता है। खाना खाते वक्त वो लोग डैन के फेवरेट रेडियो शो को सुन रहे होते हैं जिसमें जॉम्बी अटैक के लिए आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। उस शो का होस्ट रक्षा मंत्री का इंटरव्यू लेता है जो सभी सवालों का गोलमोल जवाब देता है जिससे होस्ट को शक होता है कि कहीं गवर्नमेंट जॉम्बीज से निपटने के लिए लोगों की जान की बलि ना चढ़ा दें। तभी डैन रेडियो स्टेशन में फोन लगाकर उन्हें बताता है कि कुछ लोग बचे हैं जिन्हें हेल्प की जरूरत है, जिस पर होस्ट कहता है कि दुनिया के बाकी लोग नहीं चाहते कि हर जगह इन्फेक्शन फैले इसलिए वो पहले उससे पूरी जानकारी लेता है कि वो लोग कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। उसकी बकवास से छिड़कर डैन फोन रख देता है। इसके बाद डैन और आंद्रे मिलकर इन्फेक्शन फैलने का रीजन जानने की कोशिश करते हैं ताकि वैक्सीन बना सके। आखिरकार डैन इस नतीजे पर पहुंचता है कि पानी की वजह से इन्फेक्शन फैला है क्योंकि जितने भी लोग जॉम्बी बने थे उन सब ने नल का पानी पिया था लेकिन डैन अपने पागलपन के कारण कभी भी नल का पानी नहीं पीता था क्योंकि उसे हमेशा डर लगता था कि कहीं टेररिस्ट लोग पानी में जहर न मिला दें। कुछ देर बाद वो तीनों स्टोर से बाहर निकलते हैं। वो लोग पैट्रिसिया को भी साथ लेकर जाते हैं जिसके सर पर एक पिंजरा लगा होता है ताकि वो किसी को काट न ले। बाहर उन्हें कुछ जॉम्बीज दिखाई देते हैं जिनकी बॉडी में ग्रीन कलर का कुछ चिपचिपा पदार्थ लगा होता है। अचानक एक छोटी बच्ची डैन के ऊपर अटैक कर देती है जिसे डैन धक्का देकर दूर कर देता है लेकिन उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। चलते चलते आखिरकार वो लोग डैन की कार तक पहुंच जाते हैं और इससे पहले कि जॉम्बीज उन पर अटैक करते वो कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। इस बीच बायोटेक कंपनी दो ट्विंस यानी जुड़वा बहनों को हथियार के साथ गोल्फ क्लब भेजती है जो अपने रास्ते में आने वाले हर एक जॉम्बी को धड़ाधड़ मार रही थी। उधर क्लब के अंदर मिशेल इस डील से जुड़े सारे कागज और दस्तावेजों को जला रहा होता है ताकि इस बात का कोई सबूत ना रहे कि उनके फर्टिलाइजर के कारण जॉम्बीज का इन्फेक्शन शुरू हुआ था। आखिर में वो फर्टिलाइजर का थोड़ा सा सैंपल बचाकर रख लेता है। तभी दोनों ट्विंस उसके पास पहुंच जाते हैं। मिशेल उनमें से एक का सूटकेस ले लेता है जिसमें कई सारे स्फीयर यानी गोले थे। उन गोलों के अंदर इन्फेक्शन का इलाज मौजूद था जो सिर्फ 24 घंटों के अंदर इन्फेक्शन को खत्म कर सकता था लेकिन जैसे ही वो एक गोले को
उठाता है, दोनों ट्विंस उसे पकड़ लेती हैं और जबरदस्ती उसके मुंह में सैंपल डाल देती हैं। इसके बाद उसे बेहोश करके उसकी बॉडी को घसीट कर ले जाती है और ये गोला मिशेल के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम तीनों सर्वाइवर्स को कार से वाटर प्लांट की तरफ आते हुए देखते हैं। वो लोग एनी को कार में छोड़ देते हैं ताकि उसके रोने की आवाज से दूसरे ज़ॉम्बीज वहां ना आ जाएं। लेकिन पैट्रिसिया को बच्चे के साथ छोड़ना ठीक नहीं था, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं जहाँ पानी की टंकी में एक ज़ॉम्बी घुसा हुआ है जिसकी बॉडी पर घास उगे हुए थे। पैट्रिसिया को पता चल जाता है और वो दौड़ती हुई उसकी तरफ जाती है, इसलिए उन दोनों को भी उसके पीछे दौड़ना पड़ता है। वो पूल पर पहुंचते ही उसमें छलांग लगा देती है। उसे बचाने के लिए डैन भी छलांग लगा देता है। इतने में वो ज़ॉम्बी ऊपर आता है और डैन पर अटैक करने लगता है। डैन पैट्रिसिया को पकड़कर ज़ॉम्बी के सामने करता है जिससे वो पीछे हट जाता है। जब आंद्रे पास आकर देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि ज़ॉम्बीज एक दूसरे पर अटैक नहीं करते हैं, पर तभी ज़ॉम्बी उसकी आवाज सुन लेता है और उसका पीछा करने लगता है। तब आंद्रे बाहर की तरफ भागने लगता है, लेकिन वहां और भी ज़ॉम्बीज उसका पीछा करने लगते हैं। इधर डैन पैट्रिसिया को पानी से निकालने की कोशिश करता है जिसमें उसका बाजू अलग हो जाता है। उधर आंद्रे भागते भागते किसी तरह कार के अंदर पहुंच जाता है और तभी डैन भी बाहर आता है। वो पैट्रिसिया को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करता है ताकि ज़ॉम्बीज उनसे दूर रहें। कार में बैठने के बाद डैन को कुछ आवाज सुनाई देती है। तब पता चलता है कि पैट्रिसिया का फोन अब भी उसी के पास था। वो उसके टूटे हुए बाजू का इस्तेमाल करके फोन को अनलॉक करता है और तभी उसे रियलाइज होता है कि पैट्रिसिया के जख्मों पर घास उगाए थे। सर्दी के मौसम में घास को देखकर उसे हैरानी होती है, पर तभी उसे याद आता है कि गोल्फ क्लब में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और ये शायद उसी का नतीजा है, न कि आतंकवादियों का। उधर गोल्फ क्लब में दोनों ट्विंस सभी गोलों को गोल्फ क्लब के घास पर तोड़ने लगते हैं ताकि कोई प्रूफ बाकी ना रहे। तभी डैन की कार वहां पहुंच जाती है और वो लोग उस अजीब से धुएं को नोटिस कर लेते हैं। आंद्रे फोन निकालकर सब कुछ रिकॉर्ड करने लगता है। इसके बाद वो लोग फ्रंट डोर की तरफ जाते हैं, लेकिन वो लॉक होता है। तब डैन अंदर जाने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढता है। वो छत पर चढ़कर अंदर घुस जाता है और दरवाजा खोल देता है ताकि बाकी लोग भी अंदर आ जाएं। उसके बाद पैट्रिसिया को एक स्टोरेज रूम में बंद कर देता है, जबकि आंद्रे चेयर्स की हेल्प से एनी के लिए सोने का इंतजाम करता है। उसके बाद डैन और आंद्रे पूरी बिल्डिंग की छानबीन करते हैं। तभी उन्हें वो डॉग दिख जाता है जो अभी तक जिंदा था और उसकी पूरी बॉडी में घास उग आए थे। ठीक तभी डैन को चक्कर आने लगते हैं। उधर एनी भी जोर जोर से रोने लगती है। तब आंद्रे उसे चुप कराने के लिए दौड़कर उसके पास जाता है और देखता है कि वो अपने बिस्तर से गायब थी। इधर आंद्रे अपनी बहन को ढूंढ रहा होता है। उधर डैन अंधेरे गलियारे की तरफ जाता है जहां जमीन पर कुछ बॉम्ब पड़े हुए थे जिससे बिल्डिंग उड़ सकती थी। अब तक उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और उस रूम तक पहुंच जाता है जहां सारे बॉम्ब टाइमर से कनेक्टेड थे। अब तक डैन काफी कमजोर हो चुका था, इसलिए वो चक्कर खाकर गिर जाता है और उसे उठने में दिक्कत होती है। तब वो पैट्रिसिया के टूटे हुए हाथ से टाइमर को ऑफ कर देता है। तभी उसकी आंखें भी ग्रीन होने लगती हैं। इधर बिल्डिंग के बाहर खड़ी ट्विंस देखती हैं कि काफी वक्त गुजरने के बाद भी बिल्डिंग ब्लास्ट नहीं हुई थी, इसलिए वो चेक करने के लिए अंदर जाती हैं। उन्हें किचन के अंदर एनी दिख जाती है। वो लोग उसे फर्टिलाइजर खिलाकर वहां से चले जाते हैं। उधर आंद्रे अपनी बहन को ढूंढते हुए उस रूम तक पहुंचता है जहां ज़ॉम्बी बना हुआ मिशेल बंद था। ये देखकर वो दूसरी तरफ जाता है और वहां उसे अपनी बहन मिल जाती है, जिसे लेकर वो जाने ही वाला होता है कि दोनों ट्विंस उसका रास्ता रोक लेती हैं। उनमें से एक एनी का मुंह बंद कर देती है और दूसरी आंद्रे को फर्टिलाइजर खिलाने लगती है, लेकिन इससे पहले ही एनी ज़ॉम्बी बन जाती है और ट्विन के हाथ में काट लेती है जिससे फर्टिलाइजर का सैंपल गिर जाता है। तभी डैन दूसरे ट्विन पर अटैक कर देता है और वो उसे काट लेता है। अब आंद्रे जैसे ही पीछे हटता है, उसका पैर वहां गिरे हुए इलाज वाले गोले पर पड़ जाता है जिससे गोला टूट जाता है और चारों तरफ धुआं फैलने लगता है जिससे एनी और डैन धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। अब डैन आंद्रे का पीछा करने लगता है और दोनों भागते भागते किचन में पहुंच जाते हैं, पर जैसे ही डैन आंद्रे को काटने वाला होता है कि अचानक उसे एनी की मौजूदगी का एहसास होता है और वो उसे छोड़ देता है। उसी वक्त दोनों ट्विंस अपनी अपनी गन निकालकर एक दूसरे को मार डालती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती थीं कि वो दोनों ज़ॉम्बी बने। नेक्स्ट सीन में आंद्रे डैन के जैकेट से उसके पुराने फोन को निकालकर पैट्रिसिया के फोन पर कॉल लगाता है और रिंग की आवाज से वो फोन को ढूंढ लेता है और वीडियो बनाने लगता है जिसमें वो अब तक हुई सारी घटनाओं के बारे में बताता है। फिर हेल्प की रिक्वेस्ट करते हुए उस वीडियो को इंटरनेट पर डाल देता है। इसके बाद वो डैन को उसकी बेटी के रूम में पहुंचा देता है। इधर जैसे ही आंद्रे का वीडियो न्यूज चैनल तक पहुंचता है, गवर्नमेंट वहां की सफाई के लिए सेना भेज देती है। सोल्जर्स रास्ते में आने वाले हर ज़ॉम्बीज को फायर गन से मारते जाते हैं। तब आंद्रे भी बिल्डिंग से बाहर निकलता है और हाथ उठाकर हेल्प मांगता है। वो अपने साथ पैट्रिसिया का टूटा हुआ हाथ भी लाया था जिससे वैक्सीन बनाने में मदद मिल सके। तभी एक और सर्वाइवर सोल्जर्स के पास पहुंचता है जिसे वो लोग गोली मार देते हैं। ये देखकर आंद्रे समझ जाता है कि सोल्जर वहां सर्वाइवर्स को बचाने नहीं बल्कि सबको मारकर एरिया क्लीन करने आए थे। अब तक एनी भी ठीक हो चुकी थी, इसलिए आंद्रे वहां से भागकर छिप जाता है। उधर
उधर गोल्फ क्लब के अंदर डैन भी ठीक हो चुका था, पर तभी सोल्जर्स बिल्डिंग के अंदर घुसकर उसे और पैट्रिसिया दोनों को जलाकर मार देते हैं। अगले सीन में रक्षा मंत्री को टीवी पर भाषण देते दिखाया जाता है, जो कि जनता को बताता है कि हालात को काबू में कर लिया गया है और इन्फेक्शन को जड़ से मिटा दिया गया है, इसलिए अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। तभी वो एक मग से पानी पीता है जिस पर बायोटेक कंपनी का लोगो लगा हुआ था, जिससे ये साबित होता था कि वो भी इस मामले में शामिल था। उधर आंद्रे जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा होता है और रास्ते में उसे कई सर्वाइवर्स की डेड बॉडीज पड़ी मिलती हैं, जिन्हें सोल्जर्स ने मार डाला था। अचानक उसकी नजर नदी में एक बोट पर पड़ती है, जिसे एनी की आया लेकर आई थी। उसमें कई वॉलंटियर्स भी थे, जो कि आंद्रे और एनी को बचा लेते हैं। जैसे ही वो लोग आइलैंड से निकलते हैं, तब आंद्रे को रियलाइज होता है कि पैट्रिसिया का बाजू अब किसी काम का नहीं है, इसलिए वो उसे पानी में फेंक देता है, जहां एक मछली उसे काट लेती है और तुरंत ज़ॉम्बी बन जाती है। इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। फॉक्स एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।